गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ विधायक अनिल नौटियाल ने पौधारोपण किया। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप गौड़ और वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और हम वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधानसभा प्रभारी की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, विधानसभा गैरसैंण के प्रभारी शेखर पंत ने विधानसभा परिसर में 4000 से अधिक फलदार पौधे लगाए हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति पंत की प्रतिबद्धता एवं उनके प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छावनी परिषद की ओर से वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में चौबटिया के कैंट स्कूल में बच्चों, स्कूल प्रशासन, कैंट फॉरेस्ट के साथ कैंट के अधिकारियों ने एक पेड़ मां के नाम लगाया। कैंट के रेंजर कमल फरियाल ने कहा कि पूरे देश में कैंट को 1.5 लाख पौधों का रोपण करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें रानीखेत कैंट क्षेत्र में 5000 पौधे रोपित किए जाने हैं। ये पूरे भारतवर्ष में एक कार्यक्रम चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, जिसके तहत छावनी जितने भी ऑल इंडिया में छावनी परिषद है इनको 1.5 लाख का दिया गया है लक्ष्य कि 1.5 लाख पौधे छावनी परिषद द्वारा लगाए जाएंगे। तो उसी के उसमें छावनी परिषद रानीखेत को लगभग 5000 पौधों का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा अभी तक 4000 पौधे रोपित कर दिए गए हैं रानीखेत में। और हम छावनी परिषद के जितने भी स्कूल हैं वहाँ वहाँ जाके हम बच्चों से भी एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम प्राय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल चौबटिया में किया। ऋषिकेश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां की जा रही है। लोगों में उत्साह और उमंग बना हुआ है। वहीं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तीर्थनगरी के तमाम स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुमानीवाला के राजश्री चिल्ड्रन अकेडमी में जन्माष्टमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और राजश्री स्कूल के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने दीप प्रज्वलित करके किया। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में बच्चे राधा कृष्ण के रूप में लोगों को आकर्षित करते नजर आए। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र मटकी फोड कार्यक्रम रहा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में इस जन्माष्टमी के पर्व को लेकर धूम देखने को मिलेगी। इस बार कान्हा रजवाड़ी झूले में विराजेंगे और उनके सिर पर अमेरिकन डायमंड मुकुट सजेगा। बाजार में कान्हा की पोशाक, झूले, श्रृंगार का सामान और पालकी तक सब कुछ नए रंग में नजर आ गए हैं। जन्माष्टमी पर घर घर कान्हा विराजेंगे। वहीं झंडा बाजार और हनुमान बाजार से लेकर पीपल मंडी तक कान्हा के रंग में सरोबार नजर आ रहा है। हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत कुछ कमर्शियल भवन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है। सभी कमर्शियल भवन नगर निगम के नए वार्ड में शामिल हैं। नगर निगम की इनकम को बढ़ाने के लिए अब टैक्स की वसूली की जाएगी। नगर आयुक्त का कहना है कि जैसे ही उनकी निविदा सफल हो जाती है वैसे ही टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे लगभग 6000 से ज़्यादा कमर्शियल छोटे बड़े भवन हैं जो नए क्षेत्रों में हैं और उनके द्वारा टैक्स नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में नगर निगम द्वारा निविदा भी आमंत्रित की गई, क्योंकि नगर निगम के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो जैसे ही हमारी निविदा सफल होती है उसके बाद घर घर ऐसे कमर्शियल बिल्डिंगों में जा करके उनका टैक्स आरोपित किया जाएगा ताकि नगर निगम की आय बढ़ सके और इस शहर को हम बेहतर।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक मदरसे में उर्दू सिखाने वाले मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मदरसे में मौलवी ने कई नाबालिग बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ 2 महीने तक शारीरिक शोषण कर उनका दुष्कर्म किया। बीते दिनों एक महिला ने पुलिस को इस मामले में सूचना दी थी और आरोप लगाया था कि मदरसे में मौलवी ने 5 बच्चियों को डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 पीड़िता बच्चियों का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं। दिनांक 17 तारीख को हमने एक FIR लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे, उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की माँ ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने FIR करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही, जो पहला तहरीर दिया था उसी तहरीर में 4। पिथौरागढ़ के भीमताल में आए भूकंप के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज में मॉकड्रिल किया। मॉकड्रिल में NDRF, SDRF, वन एवं स्वास्थ्य विभाग ने भाग लिया। इस दौरान टीमों ने 2 मंजिला भवन से 14 घायलों का रेस्क्यू किया, जिसमें 2 गंभीर घायलों को चिकित्सालय भेजा गया और 12 घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। फंसे लोगों को NDRF और SDRF की टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अपर जिलाधिकारी PR चौहान ने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति की समीक्षा करना और मूल्यांकन करना है। NDRF के साथ, SDRF के साथ और फायर के साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है, मॉक ड्रिल हमको और मॉक ड्रिल हमको अर्थ कुक का लेना था, उसी के उपलक्ष्य आज भीमताल में हमने JAC का परिसर का एक प्लान किया था। उसी में जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि GIC में 14 लोगों का और विकास भवन में और ब्लॉक कार्यालय में 4 लोगों का रेस्क्यू करना था, वो हमने आज मौका एक्सरसाइज में किया है NDRF की टीम के द्वारा। SDRF की टीम द्वारा बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उत्तराखंड में मौसम अपने मिजाज को दिन प्रतिदिन बदल रहा है। अनियमित बारिश ने राज्य के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है, जिसके कारण आपदाओं की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अतिवृष्टि से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अनियमित बारिश और बदलते मौसम के कारण पीछे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तेज बारिश होने से पर्वतीय जिलों के संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त के आखिरी तक तेज बारिश होने से पर्वतीय जिलों के संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की संभावना है। ऐसे में इन इलाकों में दिन और रात के समय सतर्क रहने की जरूरत है। राज्य में नकली शराब बनाने के उपकरण में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को सफलता हाथ लगी है। SDF ने उधम सिंह नगर में एक नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और CO RB चमोला के निर्देशन में कुमाऊं की टीम ने दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फिलहाल फरार है। SDF ने 2 मुहर, स्टाम्पेड, एल्कोमीटर, TDS मीटर, उत्तराखंड सरकार के होलोग्राम समेत कई उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी उत्तराखंड सरकार का नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेच रहे थे।
रुद्रप्रयाग शहर में जल संस्थान कार्यालय के बाहर सो रहे एक पालतू कुत्ते को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। घटना का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। शहर में गुलदार की धमक से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया है। उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चथली के समीप एक हाइड्रा क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चंपावत की ओर से आ रही क्रेन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में बिहार निवासी चालक की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायल चालक का रेस्क्यू कर उसे उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया।